अस्सलाम वालेकुम। जनरल परवेज मुशर्रफ आज अदालत में पेश होने की बजाय हॉस्पिटल पहुंच गए और जो खबरें ये आईं कि वो रास्ते में थे अदालत जाने के लिए, पेशी के लिए, अचानक उन्हें दिल में तकलीफ हुई, दर्द हुई और उन्हें आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ले जाया गया। उसके बाद सारा दिन जो खबरें थीं वो चलती रहीं, लेकिन दो तरह की खबरें हैं। एक खबर तो यह है कि यह सिर्फ एक प्लॉय था कोर्ट पेशी को ना भुगतने के लिए, अदालत के सामने ना पेश होने के लिए। जनरल साहब ने कहा कि मुझे तो दिल में दर्द है, मैं तो पहले हॉस्पिटल जाऊंगा। ये एक नुक्ता नज़र है जो ज़्यादातर सियासी जमातें हैं पाकिस्तान में वो इसी नुक्ता नज़र की वो हामी नज़र आती हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को बुजदिल करार दे दिया। उन्होंने कहा मुझे लगता ही नहीं है कभी इन्होंने आर्मी यूनिफॉर्म पहनी थी, हमारी बहादुर फौज का ये हिस्सा नहीं लगते। ये एक नुक्ता नज़र हो गया। दूसरा नुक्ता नज़र यह है कि 70 ईयर्स ओल्ड मैन है, बहुत अंडर स्ट्रेस थे, 9 माह से बंद हुए हुए हैं, चाहे जितनी आज़ादी से एक रॉयल पैलेस में रह रहे हों, बहरहाल थे बंद ही, तो हो सकता है स्ट्रेस की रीज़न हो जिस वजह से थोड़ा सा अनईज उन्होंने महसूस की। तो ये दो फैक्टर्स हैं। अभी खबरें ये चल रही हैं कि सऊदी अरेबिया, यूएई और अमरीका, जिस किस्म की डील उन्होंने नवाज शरीफ को लेकर दी थी आफ्टर 12 अक्टूबर 99, उसी किस्म की डील जनरल परवेज मुशर्रफ के लिए रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। इन्हें आज से कुछ अर्सा पहले ये डील ऑफर की गई थी कि आप चले जाइए, वालदा की इयादत के बहाने जाइए और फिर ना आइए, आपने आके पाकिस्तान गलती की है। और तासुर यह है कि नवाज शरीफ साहब भी और पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी वो बहुत खुश होंगे इस बात से कि जनरल साहब चले गए, ताकि उनके ऊपर जो इस वक्त एक बैगेज है वो हट जाए। लेकिन जनरल साहब ने उस वक्त इनकार कर दिया था, हो सकता है इस वक्त उन्हें ये चीज़ माननी पड़े या उसका रास्ता निकाला जाए। लेकिन अदालत में केस है, अदालत क्या करेगी? अदालत को आप एकदम से साइड से हटा नहीं सकते, अदालत के अंदर केस लग चुका है। आज अरेस्ट वारंट उन्होंने जारी नहीं किए, 6 जनवरी तक समाअत मुलतवी की और 6 जनवरी को ही सऊदी फॉरन मिनिस्टर भी पाकिस्तान में होंगे। ये वो तमाम खबरें हैं जिसको आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस करना है। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ हैं मौला बख्श चांडियो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। चांडियो साहब वेलकम करता हूँ। जस्टिस तारक महमूद साहब हैं, फॉर्मर प्रेजिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। जस्टिस साहब आपको भी वेलकम करता हूँ। लाहौर से हमारे साथ हैं हमारे फॉर्मर होम मिनिस्टर और गवर्नर सिंध लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब। जनरल हैदर साहब आपको भी वेलकम करता हूँ। और टेलीफोन लाइन के ऊपर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के बड़े नामवर आईनी और कानूनी माहिर एतजाज अहसन साहब। एतजाज साहब आपको भी वेलकम कर रहा हूं और आप ही से आगाज़ करूंगा। फरमाइएगा कि जनरल साहब तो बीमार हो गए, अब क्या किया जाए? उनको माफ़ी दे दी जाए, कार्रवाई रोक दी जाए, उनको पाकिस्तान से जाने दिया जाए, क्या करा जाए? देखिए, अल्लाह ताला जनरल साहब को शिफा दे और उनकी सेहत याबी के हम दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन दो चार बातें बड़ी हैं मैं मेरी निगाह में, एक तो साहब ने 15 मिनट पहले बड़े टोक अंदाज में, बड़े वाजे गैर मुबहम अंदाज में कहा है कि जनरल साहब मुल्क से बाहर नहीं जा रहे और वो ट्रायल फेस करेंगे। ये उनके वकील जो उनके सबसे पुराने बेरीना वकील है, सबसे ज्यादा उनके तर्जमान है, ये अहमद रजा कसूरी साहब को मैंने सुना है अभी एक और दूसरे चैनल पे, उन्होंने बगैर किसी इबाम के और वाजे अंदाज में कहा है कि ये लोग आते जाते रहे, ये अरब परवेज मुशर्रफ साहब ना बाहर जा रहे हैं ना जाने का इरादा रखते हैं। तो ये तो एक बात तो वक्ती तौर पे सेटल हो जानी चाहिए हमारी, क्या सराहियां इनके बारे में ऐसी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है कि अगर कोई ऐसा इम्कान हो भी तो पहली बात तो ये है कि अगर आप उनको ये जवाब कोई बनाना चाहता है कि उनको बाहर मुल्क से भेजा जाए, तो अदालत को बावजूद ये कराना पड़ेगा कि उनका आर्जा ऐसा है कि इसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं। इस पे सिर्फ एक बोर्ड नहीं, गालिबन 2-3 बोर्ड अगर एग्री करें फिर कहीं जाके ये मामला तय हो सकता है कि उनका इलाज। इतला साहब ये फरमाइएगा कि क्या हॉस्पिटल बेड से उनका ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता? पहले बात जरा एक बात जरा मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिए, फिर आप तो दूसरी तरफ जाएंगे। पहली बात तो ये है कि ऐसा बोर्ड की राय होनी चाहिए जो कि अदालत को ये यकीन दे सके कि आर्जा ऐसा है कि इनका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं। ना ऐसे डॉक्टर हैं, ना ऐसी मशीनें हैं और कुछ इस किस्म का इनका इलाज होना है जो मुल्क से बाहर ही हो सकता है और जानलेवा मर्ज।
तीसरी बात यह है कि अगर आप इसके बगैर इसी तरह आप उनको बाहर भेज देते हैं तो फिर हर मुंजिम जो है जेल में पड़ा हुआ, हर मुंजिम जो कहीं भी है वो हर किस्म के जुर्म का वो कहेगा मुझे दिल का अर्ज है मुझे जमानत पे रहा कर दो, मेरे दिल का अर्ज है मुझे मुल्क से बाहर भेज दो। तो ये आसान काम नहीं है। चौथी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में शेख एहसनुद्दीन के केस में, मुझे याद जहां तक पड़ता है, ये कहा था कि सेक्रेटरी इंश्योर करेगा कि इनको मुल्क से बाहर ना जाने दिया जाए। अब होम सेक्रेटरी, इंटीरियर सेक्रेटरी पर और गवर्नमेंट पाबंद है उनकी, जवाहर ख्वाजा साहब मुझे याद पड़ता है, और वो सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर लिए बगैर जनरल साहब को नहीं बाहर भेजा जा सकेगा। यहाँ मैं थोड़ा आपको रोकूंगा इत्तेजाज साहब, यहाँ रोकूंगा आपको, आपकी आवाज भी कट रही है। प्रोड्यूसर साहब दोबारा लाइन में लाइए इत्तेजाज साहब से, एक दफा फिर कनेक्ट करिए। मैं उतनी देर चाहूंगा कि जैसे तारिक महमूद साहब से इस पे राय ले लूं, हॉस्पिटल बेड से ट्रायल हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट के जिस केस का हवाला इत्तेजाज साहब दे रहे हैं वो कितना मजबूत है यहाँ पर? मैं उससे थोड़े से हट के आपके सवाल का इस तरह जवाब दूंगा कि देखें, दो स्टेजेस पर उनका अदालत में मौजूद होना जरूरी है। एक स्टेज जब उनका चार्ज फ्रेम होगा और दूसरी स्टेज जब अल्टीमेटली उनका 342 का स्टेटमेंट होगा आफ्टर द रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस। लेकिन अगर कल को इस किस्म का मटेरियल अदालत में पेश होता है डॉक्टरों की राय की सूरत में कि वो अदालत में पेश नहीं हो सकते और शायद ये रीजन भी ले लिया जाए कि सिक्योरिटी रीजंस हैं, तो फिर सवाल ये है कि क्या किया जाए। फिर देखें एक बात तो ये हो सकती है हॉस्पिटल बेड से ट्रायल में, नहीं मैं अर्ज कर रहा हूं ना, देखिए ना मैं आपको मिसाल दे, कानून शहादत ऑर्डर ये कहता है कि जो मॉडर्न टेक्निक है उससे फायदा उठाया जा सकता है, और आपको मीमो कमीशन का केस याद होगा जिसमें बयान रिकॉर्ड हुआ। क्योंकि जो सवाल उनको इस स्टेज पर उनको करना है वो चार्जशीट पढ़ के सुनानी है और जिसका जवाब जाहिर है उन्होंने नहीं देना है। लेकिन अहम बात एक और है, इस कानून में एक खास बात है जो कि आम कानून में, ये कानून ये कहता है कि अगर बीमारी भी हो तो उनकी एब्सेंस में ट्रायल हो सकता है। ये स्पेसिफिक प्रोविजन है। ये किस कानून का ये 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 कानून जिसके तहत इनको ट्रायल किया जा रहा है, इस कानून का नाम है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट स्पेशल कोर्ट ऑफ एक्ट 1976, और इसकी दफा भी मैं बता दूं, इसकी दफा है सेक्शन 6, ये है पावर्स एंड प्रोसीजर ऑफ स्पेशल कोर्ट, और इसकी रेलिवेंट क्लास जो मैं जिसकी तरफ मैं हवाला दे रहा हूं, मैं पढ़ के सुना देता हूं। ये कहता है ऑन द क्लोज, ये सर इसमें जो नहीं ये है सॉरी ये है सेक्शन 9, ये कहता है नो ट्रायल बिफोर द स्पेशल कोर्ट शैल बी एडजर्न फॉर एनी रीजन अनलेस द स्पेशल कोर्ट इज द ओपिनियन दैट द एडजर्नमेंट इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड इन पर्टिकुलर नो ट्रायल शैल बी एडजर्न बाय रीजन ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी अक्यूज पर्सन ड्यू टू इलनेस और आगे दूसरी चीजें। तो बयान इलनेस की बुनियाद के ऊपर ट्रायल देखे ना, नहीं मगर एक बात है, एक दफा उनका जो बयान जो है ना पहली मर्तबा जो उनको चार्ज पुट किया जाएगा वो होना जरूरी है, और मैं समझता हूं कि कानून शहादत ऑर्डर के तहत जो है मीमो कमीशन लेटेस्ट मिसाल है उनको ये सवाल जो है लिंक के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वीडियो बेड से पूछा जा सकता है। लेकिन दोबारा लाइन पे आ गए, लेकिन ये उस वक्त होगा जब अदालत मुतमईन हो जाएगी कि सिक्योरिटी रीजन और इस रीजन की वजह से एतजाज साहब हमने आपके इसी एब्सेंस में जब ये लाइन दोबारा कनेक्ट हो रही थी तो जस्टिस तारिक साहब से पूछा है, वो कह रहे हैं कि 1976 का वो जो क्रिमिनल लॉ जिसके तहत ट्रायल हो रहा है उसका सेक्शन 9 कहता है कि बीमारी के बावजूद ट्रायल नहीं रुक सकता, लेकिन उससे पहले उनकी वो स्टेटमेंट 342 की नहीं, 342 आखिर में होती, पहले चार्ज उनको चार्जशीट पढ़ के सुनाई जाएगी, जो वो कहते हैं कि वो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कर सकते हैं हॉस्पिटल बेड से भी। आप क्या कहते हैं? देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हॉस्पिटल बेड का अब जो मिसाल है और उसकी नजीर है वो सुप्रीम कोर्ट ने ही खुद ही उसको राइज कर दिया है और करवा दिया है मेमो कमीशन के जरिए। मेरे ख्याल में जाती तौर पे कमीशन की और बात है, लेकिन ट्रायल जब होगा तो अदालत में समाज जब होगी तो परवेज मुशर्रफ का फर्ज जुर्म के मुरतब होने के वक्त होना लाजिम है, और फर्ज जुर्म मुरतब करने के वक्त
एक और दूसरा जिस तरह जस्टिस तारिक महमूद साहब फरमा रहे हैं, बजा फरमा रहे हैं कि जब उनका 342 में बयान हो, इन दो मकामात पे औकात पे उनका अदालत में होना लाजमी है। लेकिन उनको अगर सुप्रीम कोर्ट के शेख एहसनुद्दीन के मुकदमे में फैसले के बावजूद मुल्क से बाहर भेजना मकसूद हो, जो कि उनके वकील तो कह चुके हैं कि वो जाना नहीं चाहते, तो फिर ऐसी बीमारी उनको लाहक होनी चाहिए या उसके सर्टिफिकेट हो कि जिसका पाकिस्तान में इलाज ही नहीं हो सकता। वरना हर कैदी जो है, हर मुजरिम जो है, वो ये कहेगा कि मुझे ये दिल का आर्जा पड़ गया, मुझे रिहा करें या मुझे मुल्क से बाहर भेजें। परवेज मुशर्रफ के लिए इस किस्म का इनफरादी कानून या उसकी मिसाल नहीं बनाई जा सकती जो दूसरे लोगों पर जिसका दूसरे लोग, दूसरे मुजरिम या मुल्जम फायदा ना उठा सकें। लास्ट क्वेश्चन है तजाज साहब, ये इस हेल्थ ग्राउंड के बावजूद जो वो कह रहे हैं कि मुझे आर्जा कल्ब है, उनका ट्रायल कंटिन्यू करना चाहिए, ये कानून कहता है? नहीं, बिल्कुल कानून ये कहता है। मैं ये सिर्फ आपको कह रहा हूँ, फर्ज करें ये परवेज मुशर्रफ नहीं, फर्ज परवेज मुशर्रफ के बारे में तो आप ये कह लेंगे कि जी चूंकि आर्मी चीफ है, अगर उनको दिल का आर्जा पड़ गया है, दिल का दौरा पड़ गया है, तो उनको ट्रायल ना करें, कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है। पर सैकड़ों सैकड़ों ऐसे मुल्ज़िम आपको पाकिस्तान की जेलों में मिलेंगे जिनको दिल के दौरे पड़े हैं, जिनका इलाज जेल के अंदर हुआ है, जिनकी जिनके ट्रायल उसके बावजूद, दिल के आर्जे के बावजूद चल रहे हैं और चलते रहे हैं और चले हैं पहले भी, इसमें किसी ने कोई उनको रियायत नहीं दी, तो इसलिए ऐसी कोई मिसाल कायम नहीं की जा सकती कि जिससे सिर्फ परवेज मुशर्रफ को इनफरादी तौर पे फायदा पहुंचाना मकसूद हो। सही है, बेनिफिट मिले और दूसरों को ना मिले। एतजाज अहसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका अदा करूंगा। मौला बख्श चांडू साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ। आपने लीगल ओपिनियन सुन ली, हमने वो तमाम एंगल्स कवर कर लिए। अब सियासी एतबार से आप बताइए कितना डूएबल होगा नून लीग के लिए। आज बिलावल ट्वीट की, उन्होंने कहा कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। नवाज शरीफ कदम बढ़ा सकते हैं इस मौके के ऊपर? यहाँ तक तो हिम्मत का ऐलान कर रहे हैं और मैं उनके मिनिस्टर्स का भी बयान पढ़ रहा हूँ दो तीन का, कि नहीं छोड़ेंगे, अदालत पर अमल होगा। और वो कहते रहे हम अदालतों के पीछे खड़े हैं, अब ये तो अदालत ने काम शुरू किया है। मेरा ख्याल है उनको हौसला पकड़ना चाहिए, लेकिन ये भी हो सकता है वो बड़े दीनदार आदमी है, एहसान का बदला एहसान है, ये भी हो सकता है वो एहसान का बदला चुका दे। सऊदी प्रिंस आ रहे हैं 6 जनवरी को, और 6 जनवरी को अगली पेशी लगनी है। फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं पाकिस्तान, मियां साहब को भी लेके गए थे वो सऊदी, हो सकता है कि रास्ता निकाले। देखिए हमें तल्ख तजर्बे हैं, हमारे लिए तो सारी दुनिया खड़ी हो गई थी, भुट्टो को छोड़ो नहीं आएगा, भुट्टो को छोड़ो, क्या कौन सा मुल्क है दुनिया का जिसने भुट्टो के लिए कहा और जनरल साहब कह रहे थे मुमकिन नहीं है, अब कानून पर अमल होगा। हमें तो तजर्बा है। फिर ये जनरल साहब, मुझे पता ये हौसले वाले हैं, कहते थे मैं यूं हूँ हौसले वाले। कराची में सैकड़ों लोग मर रहे थे, ये बाजू लहरा रहे थे 12 मई को, वहाँ लोग कई लोग मर रहे थे, गोलियां चल रही थी जुलूस पर, और ये बात मुझे बड़ा हौसला। और फिर अकबर बुकटी साहब के लिए कह दिया ऐसा यहां से मारूंगा कि वो होगा ही नहीं, और ये होगा। हम उनमें से नहीं हैं, हम उनमें से नहीं हैं। दुश्मन मरिए खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना हो, हम इनकी मुश्किल में खुश नहीं हो रहे। लेकिन आइन आइन होता है, कानून का जाति मामला नहीं है, एहसान का मामला नहीं है। जैसे मैंने कल एक रहनुमा का सुना है, वो बड़े वसी दिल है, वसी कल्ब है, मियाँ साहब वसी कल्ब है ज़ाती मामलात पे, उनके कोई अपने मामलात हैं तो खड़े हो जाएं, सुन्नत अदा कर लें कि मैं अपने खून माफ़ करता हूं, मैं अपने जुर्म माफ़ करता हूं, अपनी सज़ा माफ़ करता हूं। कानून और आइन का तोड़ना मियाँ साहब का ज़ाती मामला नहीं है। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, फौज के हवाले से दो आरा सामने आ रही हैं। एक राय ये है कि आइन और कानून के तहत मामला जहाँ तक आ गया चलने दें, सजा हो जाए, और जो कहा यह जा रहा है कि बिहाइंड द सीन एक अंडरस्टैंडिंग यह है कि वो अल्टीमेटली अगर कोर्ट सजा दे देती है तो प्रेसिडेंट पार्डन कर देंगे इनको, जनरल साहब को बाहर जाने दें। दूसरी राय है नहीं, फॉर्मर आर्मी चीफ पाकिस्तान के 9-10 साल हुक्मरान रहे, इनके लिए ये ह्यूमिलेशन होगी कि इनके साथ ये सलूक होगा, गद्दारी के मुकदमे में सजा मिले, इन्हें उससे पहले ही पाकिस्तान से चले जाना चाहिए। क्या होगा मामला? देखिए ये तो
मुझे पता नहीं है बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है और क्या पार्लेज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ तो एक कोर्ट बैठा हुआ है और कोर्ट की कार्रवाई शुरू है, और वो तो कोर्ट को मेरे ख्याल में हुकूमत इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगी कि आप क्या करें और क्या ना करें और ट्रायल किए बगैर छोड़ दें। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जब आर्मी चीफ जब ट्राई होगा इस सरकमस्टांसिस में तो उसके असरात फौज पे ज़रूर पड़ेंगे। जवान भी तमाम जो है हमारे टेलीविज़न देखते हैं आजकल और आप लोगों के तबसरे सुनते हैं, जो बाज़ दफ़ा जहाँ बहुत ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया जाता, लूज लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, गद्दारी गद्दारी बोलते हैं कि गद्दारी का मुकदमा है, उन्होंने आईन तोड़ा है, कोई पाकिस्तान के राज ने बेच दिए, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ने बेच दिया, उन्होंने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया है। और यहाँ पर बहुत लोग ऐसे मौजूद हैं सिविल में, घरों में औरतें हैं, लोग हैं जो समझते हैं उनके दौर के अंदर कोई गवर्नेंस अच्छी थी, कोई इकोनॉमी अच्छी थी, बिजनेस वाले बहुत खुश थे, तो बहुत से तबके ऐसा है जो समझता है कि उनकी मुल्क के लिए खिदमात हैं, गलतियाँ भी होंगी, लेकिन बहरहाल जब एक आर्मी चीफ को आप ट्राई करेंगे तो फौज ला ताल्लुक बिल्कुल नहीं होगी, उस पर असर जरूर पड़ेगा। और कल को क्या असर है फौज के ऊपर? आज मैं खबर देख रहा था, आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई है, और मुझे एक वो पॉलिटिशियन जो आमतौर पर जाना जाते हैं कि उनका रावलपिंडी के साथ मामला बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि दो खबरें उन्होंने बताई, मैं आपको ऑन एयर बता रहा हूं आज, कि एक तो उन्होंने कहा कि जनरल कियानी ने नवाज शरीफ साहब से मिलकर इनको डील ऑफर की थी कि आप वालदा की यादत के लिए जाइए, जनरल साहब रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट डील दैट अरेंजमेंट, कि वो यहां से जाएं और वापस ना आए। फिर उन्होंने कहा जो लास्ट कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, जो आज वाली कॉन्फ्रेंस से पहले वाली थी, उसमें कोर कमांडर्स बड़े खफा थे, जनरल कियानी की लास्ट जो मीटिंग थी उसमें बड़े खफा थे कि आपने जनरल परवेज मुशर्रफ के डिफेंस में कुछ नहीं किया। अब ये दो चीजें हैं, दो सिनारियोज हमारे सामने हैं, एक तरफ आईन और कानून है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, और ये प्राइम मिनिस्टर वही है जिसको जनरल परवेज मुशर्रफ ने बंद करके प्लेन हाईजैकिंग का मुकदमा करके उनके ऊपर भी ट्रीजन के चार्जवाज लगा दिए थे सारे, वो अदालत ने सेटिसाइड कर दिए थे, तो प्राइम मिनिस्टर पे लग सकता है। नवाज शरीफ ने भी कोई पाकिस्तान के एटमी राज नहीं थे बेचे उस वक्त, पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज नहीं थी कि उन्होंने भी जी, जो मुझे याद पड़ता है वो अदालत ने सेटिसाइड नहीं किए थे, बल्कि उनको कंडोन किया गया था और बाहर जाने दिया गया था, और उसमें बाहर के लोगों ने इंटरवीन किया था, अदालत ने उनके तमाम उस वक्त जो है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 99 या 2000 में माफ नहीं किया था। दूसरी बात, मैं तो आपसे एक बात अर्ज कर रहा हूं, ट्रीजन चार्ज नहीं था लगा सर, मैं यहां रोकूंगा आपको, जैसे तारिक साहब से पूछ लें सजा की नोयत, फिर मैं दोबारा आता हूं। क्या नवाज शरीफ साहब के केस में क्या फैसला आया? नहीं, बाद में उस जो जजमेंट थी, जो कन्विक्शन थी, उसको चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटिसाइड कर, सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया, ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए जी सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो जजमेंट थी उसको सेटिसाइड कर दिया था जनरल साहब। लेकिन फिर कंडोनमेंट जो तारर साहब ने क्या चीज कंडोन की थी उनकी, और उनको बाहर जाकर जो इजाजत मिली थी क्या चीज कंडोन की गई थी तारर साहब? जनरल मोइन साहब आपकी इजाजत से अहमद रजा कसूरी साहब जो जनरल परवेज मुशर्रफ के वकील हैं वो भी साहब, उनसे पहले जनरल साहब की हेल्थ के मुतल्लिक भी और जो ये क्यास रही है कि पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, दोनों सवाल हम उनसे पूछ लें। कसूरी साहब आपको वेलकम करता हूं, पहले तो जनरल साहब की सेहत के हवाले से बता दीजिए कि उनकी तबीयत कैसी है। देखिए बात यह है कि जनरल साहब इस वक्त जो अपना अमराज से कल्ब का जो मरकज है फौज का उसमें इस वक्त दाखिल है और उसको फौज ने गार्ड किया हुआ इस वक्त, और वहाँ विजिटर्स आर नॉट अलाउड। सिविल हॉस्पिटल और मिलिट्री हॉस्पिटल में डिसिप्लिन का बड़ा फर्क होता है। सिविल के हॉस्पिटल में आप जिसको मर्जी मिलने चले जाएं, कोई रोकता नहीं है, लेकिन अगर फौज के हॉस्पिटल में डॉक्टर कह दे कि विजिटर नॉट अलाउड, इवन ए जनरल कार्ड फी, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन। सॉरी साहब, लेकिन ये तो बता दें कि जनरल साहब अंडर स्ट्रेस हैं, उनसे रब्ता नहीं है, उनसे रब्ता नहीं है। कसूरी साहब, जनरल साहब इस वक्त अंडर स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस की वजह से उन्हें कोई हार्ट में पेन फील हुआ या इज देयर एनी सीरियस डेवलपमेंट जो उनके हार्ट रिलेटेड है, हमें ये तो बता दीजिए ना, क्योंकि हम सुबह से सिर्फ ये कह रहे हैं उन्हें दर्द महसूस हुआ, लेकिन क्या नोयत क्या है उसकी, क्या इशू है? देखिए बात यह है कि अदालत उनका शिद्दत से इंतजार कर रही थी और यही था कि शायद वो 11:30 के बाद किसी वक्त भी वो अदालत में तशरीफ ले आए, लेकिन जब वो नहीं आए तो उस सूरत में जब अदालत ने इंक्वायर किया तो
जो डीआईजी सिक्योरिटी था उसने रोहतक आके कहा कि जनाब जो हमें इतला मिली वो ये है कि जब सिक्योरिटी अपनी तहवील में जनरल मुशर्रफ को अदालत की तरफ लेकर रवान दवा थी तो उस वक्त उनको ये आर्जा हुआ तो हम उनको बजाय अदालत में लाने के सीधे ही हम उनको लेके चले गए अपना एएफआईसी में और वहां वो इस वक्त एडमिटेड है आईसीयू में। कसूरी साहब बियॉन्ड दैट पॉइंट हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अभी उनकी करंट कंडीशन क्या है, कि उनकी एंजियोग्राफी हुई है, कोई उनके कोई हार्ट का कोई वॉल्व वगैरह का इशू है जो पता लगा है तो जो तो वो हुई है। और एक्चुअली देखें जी कि ये जो रिपोर्ट है ये डॉक्टर जो कंपाइल कर लेंगे और वो नेचुरली रिपोर्ट शायद कोर्ट में भी आए क्योंकि कोर्ट ने आज तो इस्तिस्ना दे दिया है और अब तारीख अगली है 6 तारीख और 6 को भी अगर डॉक्टर कहता है कि उनको वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अदालत में पेश हो सके तो जो डॉक्टर की जो रिपोर्ट होती है बड़ी हतमी रिपोर्ट होती कसूरी साहब फिर उसकी बुनियाद के ऊपर अगर वो इस काबिल ना हुए तो आप इस्तिस्ना मांगेंगे 6 जनवरी को भी। ये जरूरी बात है कि इस्तिस्ना जो है अपना मलिक साहब वो कोई जन्म शर्फ के लिए कोई स्पेशल लॉ नहीं है, वो अंग्रेज का बनाया हुआ कानून है कि अगर आप दरख्वास्त दें और उसका जवाब पैदा करें इस सस्ना का जिस पर के बहस होगी दोनों वकला के दरमियान और अगर बहस सुनने के बाद अदालत समझे कि जो जवाब पेश किया गया है वो जेन्युइन है तो उस सूरत में फौजदारी मुकदमे में अदालत इस्तिस्ना दे देती है। अच्छा एक और चीज बता दें क्योंकि यहाँ भी पैनल बैठे मैं उनसे भी राय लेना चाहूंगा कसूरी साहब, क्या अगर उनकी हेल्थ कंडीशन अगर ऐसी होती है और मेडिकल बोर्ड एडवाइज करता है कि ज्यादा बेहतर मॉडर्न इलाज के तरीकाकार के लिए इन्हें पाकिस्तान से बाहर भिजवाया जाए तो जनरल साहब क्या इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना पसंद फरमाएंगे? इससे जो है जो ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान और फौजी जो है जब डॉक्टर्स हमारे डॉक्टर्स उसी शोबे में जब लिख सकते हैं कि हमारे पास इतनी एक्सपर्टीज या इक्विपमेंट नहीं है बल्कि इनको दरकार है फॉरन ट्रीटमेंट तो फिर जो है उनको भेजा जाता है और सरकारी खर्चों में जाते हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ 2 एरियाज में काम ही नहीं हुआ 64 साल में, ना तालीम में ना हेल्थ में। डायरेक्ट जवाब कसूरी साहब, अगर हेल्थ रीजन की वजह से कसूरी साहब अगर हेल्थ रीजन की वजह से मेडिकल बोर्ड एडवाइज करता है कि मॉडर्न इलाज के तरीकाकार के लिए इन्हें पाकिस्तान से बाहर भिजवाया जाए तो जनरल साहब बाहर जाना इस वक्त पसंद करेंगे इलाज के लिए? नेचुरली वो तो डॉक्टर की एडवाइस है ना जी, वो तो उसमें जनरल साहब की का तो जो अपना राजा जो है खत्म हो गया तो डॉक्टर की एडवाइस पे जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान से बाहर इलाज के लिए जा सकते हैं ये कसूरी साहब कह रहे हैं। मैं दोबारा आपकी तरफ जस्टिस तारिक साहब आऊंगा, यहाँ 2 मामला हेल्थ रीजन भी है और केस भी है, क्या होगा? नहीं गुजारिश एक बात है ना, देखिए ना अगर डॉक्टर्स ने इस किस्म के सर्टिफिकेट दे दिए कि यहाँ पर पाकिस्तान में इनका इलाज मुमकिन नहीं है तो एक बात है कि एक और बात है ना कि अदालत में केस है, अदालत के सामने जिस वक्त आएगा तो अदालत सीरियसली उसको देखेगी और वाकई अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि ये वाकई ऐसा है क्योंकि डॉक्टर के सर्टिफिकेट की बहरहाल अहमियत होती है, ऐसी बात नहीं है कि स्टेट अवे कोर्ट उठा के उसको कहती है वो जाए तो फिर तो बात बड़ी सीधी है, फिर तो वो अदालत की इजाजत, क्योंकि इस वक्त इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट PCL में है तो जब तक अदालत कोई ऑर्डर नहीं करेगी दो बातें होंगी ना, या तो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट का जो ऑर्डर फेडरल गवर्नमेंट ने किया है आप उसको किसी अदालत में चैलेंज करेंगे और फिर आप जा सकेंगे, या आप उसी अदालत में जो है ये सर्टिफिकेट्स डॉक्टर्स को पेश करेंगे और जब अदालत की तसल्ली हो जाएगी और फिर वो आप जा सकेंगे। अच्छा एक ब्रेक करीब आ रही है, पहले मैं कसूरी साहब आपसे एक और सवाल पूछ लूं फिर उसकी एक चीज, कसूरी साहब है हमारे साथ? कसूरी साहब की लाइन ड्रॉप हो गई जी, ब्रेक ले लें पहले वापसी पे पूछते हैं, हमारे साथ रहिएगा जी। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। जनरल मुशर्रफ का ट्रायल और उनकी हेल्थ रीजंस दोनों को डिस्कस कर रहे हैं। ये फरमाइएगा चांडियो साहब, मामला थोड़ा सा टेढ़ा है, असल में ये मालूम नहीं है कि उनकी हेल्थ कंडीशन या हार्ट कंडीशन क्या है तो इसलिए आर्गुमेंट करते हुए हमें भी थोड़ा सा नापना तोलना पड़ता है। अगर कोई फ्रेंडली कंट्री उन्हें ऑफर करती है लाइक UAE या सऊदी अरेबिया, कोई वो एम्बुलेंस वगैरह आती है स्पेशल ट्रीटमेंट की तो ले जाती है तो हर्ज तो नहीं है कोई? वो तो मेरी तरफ से तो नहीं है, मैं कहता हूँ ये उसूल बन जाएगा फिर जैसे एजाज साहब भी कह रहे हैं
लेकिन उससे आने से पहले मैं जनरल साहब मईन हैदर साहब तशरीफ रखते हैं, मैं बड़ा उनका एहतराम करता हूँ, अपना उनको बुजुर्ग भी समझता हूँ ना, लेकिन आज उन्होंने एक बात की जो मैं सीखा हूँ कि आइन तोड़ने वाला गद्दार नहीं है। ये मैं आज पहली बार सीखा हूँ जनरल साहब से कि राज फाश करे ये तो गद्दारी है, उन्होंने आइन तोड़ा है, गद्दार क्यों कहते हो? ये मैंने आज पहली बार एक बात समझी है। अब आपके सवाल की तरफ बात, टेढ़ा तो है, जाहिर है पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी आइन तोड़ने वाले साबिक जनरल को आप ले गए कटड़े की तरफ, तो बर्दाश्त तो नहीं होगा, ऐसे बयान तो आएंगे। लेकिन फिर इदारा भी एक फैसला करे, खुद ही कह दे कि जो आइन तोड़ेगा उसको हम फांसी दे देंगे, अदालतें बीच में ना आए। आप चाहते हो इस मनसब का तकद्दस हो, आप चाहते हो इस मनसब पे रहने वाले की इज्जत और एहतराम हो, तो आपको भी पाकिस्तान के करोड़ों लोगों का एहतराम करना होगा ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, आपको अख्तियार दिया जाए हजारों लोगों को कुचलने का। कुरान शरीफ पढ़ रहे थे सकरण में और जनरल जिया की फौज की जमाने में गाड़ियां उन पर कुचलती जा रही थी, उनको उन पर कोई नहीं बोलेगा? सरे आम लोगों को मार देते उन पर कोई नहीं बोलेगा? और मजाकी उड़ाएंगे, जनरल मुर्शिद साहब ने मजाकी उड़ाई बीबी और नवाज शरीफ के लिए, क्या क्या उन्होंने कहा नहीं आएगा को। फिर आप जनरल, मैं कह रहा हूं फिर आप भी कोई कानून बनाए कि हम किसी भी जनरल का मुकदमा नहीं चलने देंगे सिविल अदालत में, लेकिन अगर हमारे किसी जनरल ने आइन तोड़ा तो सबसे पहले हम पहल करके इस इदारे का तकद्दुस बचाने के लिए हम उसको सजा देंगे। जनरल मोहिनुद्दीन हैदर साहब, आप भी कुछ तो पहल करें ना जनाब हमारे लिए। बड़ा वैलिड पॉइंट है विजय, मैं आपसे बात यह अर्ज करना चाहता हूं, मैं इसके हक में मैं ये नहीं कह रहा कि उनके खिलाफ मुकदमा ना चले, मुकदमा कायम हो चुका है, उसका जवाब मौजूद है और उसमें काफ़ी शवाहद मौजूद हैं, खुद उन्होंने कहा है कि मैं एमरजेंसी लगा रहा हूँ वगैरह, वो चीज़ें हैं, वो कोर्ट में ट्रायल होगा। लेकिन हम कहते हैं ट्रायल इस तरह चलता रहे, लेकिन आपने मुझसे सवाल पूछा कि फ़ौज का इसके बारे में क्या रिएक्शन होगा, तो मैंने आपको उसका सीधा साधा जवाब दिया कि हर वक्त जो सुबह शाम बोलते हैं गद्दारी है वो गद्दारी है। देखिए बात ये, वो कहते हैं कि मैंने मुल्क की खिदमत की, मैंने मुल्क की इकॉनमी ठीक की, मैंने मुल्क में बहुत रिफॉर्म्स लाई, बहुत चीज़ें ठीक की। अब उन्होंने उसको जजेस को बंद किया, गलत बात है, असूलन गलत बात है, नहीं करना चाहिए था, इमरजेंसी नहीं लगानी चाहिए थी। अब लगाई है तो ट्रायल में हो रहा, ट्रायल में वो जो अदालत फैसला करेगी वो तस्लीम करेंगे, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ खाली हमको मोहतात और जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। और अगर ये ठीक मासूमाना सवाल पूछा जाता है क्या इसका कोई असर पड़ेगा पाकिस्तानियों पे, उस पर भी पड़ेगा और दोनों तरफ पड़ेगा और फौज के ऊपर भी पड़ेगा, फौज के जवान जब देखेंगे। जनरल मोइन साहब, जब आप कहते हैं कि फौज के ऊपर इसका इम्पैक्ट मौजूद है, हमें जो कोर कमांडर्स मीटिंग्स हुई थी, जो जनरल कियानी के आखिरी दिनों में मीटिंग थी, उसकी भी कुछ लोगों ने ये बताया कि वहां पर रद्दअमल था कि आप लोग जनरल कियानी के ऊपर रद्दअमल था कि आपने इनफ नहीं किया जनरल मुशर्रफ को डिफेंड करने के लिए। अभी भी जाहिर है कोर कमांडर्स लेवल के ऊपर ये सवाल उठा होगा कि फॉर्मर आर्मी चीफ है, उसके डिफेंस में क्या करना है, क्या मुमकिन रिएक्शन होगा कोर कमांडर्स का? नवाज शरीफ साहब को क्या आके बोलेंगे जनरल राहील के, क्या करें इनके लिए? देखिए खाली कोर कमांडर्स ही नहीं होते, पूरी फौज है। मैंने आपसे जो कहा था कि तमाम शाम के वक्त लोग जवान भी और सूबेदार भी और तमाम लोग टेलीविजन देखते हैं, उन पर असर पड़ता है। देखिए उस सूबेदार की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तक रसाई नहीं होगी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मैसेज आएगा या DGISI से या आर्मी चीफ से, वो क्या मैसेज देंगे? मियां साहब क्या करें, कौन सा रास्ता निकालें, क्योंकि रास्ता तो कहीं निकालना है तो इन दोनों को डिस्कस करना पड़ेगा ना। मेरे ख्याल से जो आप बता रहे हैं कि कियानी साहब इनके पास गए थे और कहा था कि आपको एक एग्जिट दी जा रही है, यह मुझे मालूम नहीं कि इस मुकायम करने से पहले वो दी जा रही थी जबकि वो बाकी मुकदमों में क्लियर हो गए थे, और ये मुकदमा कायम नहीं हुआ था तो वो एक अच्छा टाइम था। अगर परवेज मुशर्रफ साहब समझते हैं मुकदमा कायम होने से पहले की बात है जी, पहले की बात है, अब जब मुकदमा कायम हो गया है तो इस वक्त तो जाहिर है ही हैज टू फेस द मुकदमा। अब वो खुद कह रहे हैं कि मैं फेस करूंगा मुकदमे को, उनको मुकदमा फेस करना चाहिए। और मैं चांडियो साहब की इस बात से मुत्तफिक हूं कि अगर आइन तोड़ा है और वो तो सामने है तो ठीक है मुकदमा चले, लेकिन आप असरात की बात पूछते हैं तो कौम इसकी तरफ उलझी रहेगी, कौम इसके अंदर काफी रहेगी, इन्वॉल्व रहेगी इसके अंदर। और अभी हम जो आगे का सोच रहे हैं कि भाई कोई तालिबान के साथ और ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक फैसला कुन शायद एक्शन करना पड़े तो उसमें भी इन्वॉल्व होंगे, मतलब के फौज इन्वॉल्व हो। बहरहाल इसके ऊपर मेरे ख्याल में एक स्प्लिट ओपिनियन फौज के अंदर मौजूद है। मैं लास्ट टाइम भी प्रोग्राम कर रहा था तो मुझे प्रोग्राम के दौरान में हमारे फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर मार्शल अर्षद चौधरी, उन्होंने मैसेज किया था कि कानून और आइन सब के लिए यकसा होता है,
तुम ये बात क्यों कह रहे हो कि जनरल है तो उसका ट्रायल नहीं होना चाहिए, कानून के मुताबिक ट्रायल होना चाहिए, उसकी फौज हिमायत करेगी, मुखालफत नहीं करेगी। हम तो नहीं कह रहे कि ट्रायल ना करें, हम तो ये नहीं कह रहे ट्रायल ना करें। आप तो मुझसे पूछ रहे ट्रायल से असरात पड़ेंगे, मैं उसको जवाब दे रहा हूं। मैं तो नहीं कह रहा वो ट्रायल ना करें, मैं तो नहीं कह रहा। अच्छा कसूरी साहब दोबारा हमारे साथ हैं, कसूरी साहब से भी पूछ लें। कसूरी साहब एक ये इत्तलात आ रही है, मैं उसके ऊपर आपकी राय चाहूंगा कि साहबा मुशर्रफ साहबा जो है वो यहाँ से दुबई तशरीफ लेगी। दूसरी खबर यह है कि कोई एयर एम्बुलेंस पर है तैयार की जा रही है जो सऊदी अरब से पाकिस्तान आएगी या यूएई से पाकिस्तान आएगी जनरल साहब को यहाँ से ले जाने के लिए, कोई इसकी वजाहत फरमा सकते हैं आप? देखिए जी बात यह है कि मैं ये अर्ज कर दूं कि डॉक्टर की जो ओपिनियन होती है वो उसको ओबे किया जाता है, क्योंकि दैट इज इन योर लार्जर इंटरेस्ट ऑफ योर हेल्थ। यहाँ रोज फौज के सीनियर ऑफिसर ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान जो एमएनए सेनेटर्स वगैरह है उनके बारे में डॉक्टर जब मुकामी डॉक्टर ये रिपोर्ट दे देता है कि हमारे पास इस मर्ज की एक्सपर्टीज नहीं है या दवाइयां नहीं है या इक्विपमेंट नहीं है और वो रेफर करता है कि इसको बाहर भेजा जाए, तो वो सरकारी खर्चे पर बाहर जाता है। रोज लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं क्रॉमवेल जो है हॉस्पिटल। कसूरी साहब टाइम निकल जाएगा, ब्राह रास्त इस पे आ जाए, क्या ये बात दुरुस्त है कि साहिबा दीदी गई है और एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया जा रहा है? मुझे मेरे पास ऐसा कोई इल्म नहीं है। इस वक्त बहुत सारी जो है अफवाहें जन्म ले रही हैं, कोई कह रहा है जी कि सऊदी फैसल 6 को आ रहा है और 6 ही को पेशी है, ये सिंक्रोनाइज हो रहा है, कोई कह रहा है यूएई का कोई जो है कोई प्रिंस आया हुआ है, तो ये बातें तो बहुत चल रही है। लेकिन मैं बताऊं जनरल मुशर्रफ इफ इट इज लेफ्ट टू जनरल मुशर्रफ, वो कह चुके हुए हैं कि मैं पाकिस्तान में आया हूं कि ये मेरा घर है, यहाँ मेरे दोस्त हैं, इसकी अफवाज को सेकंड लेफ्टिनेंट से लेके जनरल तक मैंने कमांड किया है, इस मुल्क की मैंने सदारत की है, तो मैं इस मुल्क से कैसे जा सकता हूँ? हाँ आना जाना रहेगा जैसे बाकी सियासतदान है। यू आर सेइंग कि ऑन हेल्थ ग्राउंड्स अगर मेडिकल बोर्ड कह रहा है तो वो फिर जाएंगे इलाज के लिए। फिर तो वो तो मेडिकल जनरल मोइन कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जनरल मोइन साहब आप क्या कह रहे हैं? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस हमें ये मौजू वक्त था कि एफआईसी के कोई जो स्पेशलिस्ट है जिन्होंने जनरल मुशर्रफ की हेल्थ को देखा है उन्हें उनके बारे में कोई हेल्थ बुलेटिन कौम को बताना चाहिए था कि उनकी क्या हार्ट की कंडीशन है या क्या पेचीदगियां हैं, और ये नॉर्मल तरीका बहुत अच्छा पॉइंट है, अच्छी बात है वो उसको कहना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इवन इफ डॉक्टर से जिस तरह कसूरी साहब कह रहे हैं कि इलाज नहीं हो सकता, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है, ये लीगल एक्सपर्ट ज्यादा जानते हैं, कोर्ट की इजाजत फिर भी लाजमी होगी, ईसीएल से नाम निकालना फिर भी लाजमी होगा, वो तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि वहां कोर्ट ने पेशी की हुई है तो यहां से डॉक्टर कहें कि मैं इनको ले जाऊं और वो चले, इस तरह तो नहीं हो सकेगा। वो जैसे बात बड़ी इसकी ये जनरल साहब ठीक फरमा रहे हैं, बात बड़ी सीधे देखे ना, एक तो बुनियाद ये अगर एयरपोर्ट से आप जाएंगे बात बड़ी सीधी, ईसीएल पर नाम है इन एनी केस, ईसीएल से नाम कैसे हटेगा सर? देखे ना ईसीएल पे तो गवर्नमेंट हटाएगी ना और या अदालत हटाएगी, और इन एनी केस इसमें होगा ये मैं आपको बताऊं, ये मेडिकल सर्टिफिकेट सारा रिकॉर्ड पेश होगा अदालत में, फिर अदालत उसकी बुनियाद पर अगर इनको जाने की इजाजत देगी तो गवर्नमेंट को कहेगी कि ईसीएल से नाम लाओ। तो जब तक ये मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट और अदालत इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी मुझे नहीं लगता कि ये जो है ये जा सकेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर सारा इल्जाम जो है वो गवर्नमेंट पर आ जाएगा और पॉलिटिकली जो है ये उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। असल में बुनियाद अब उस एएफआईसी के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के ऊपर है जो अदालत में पेश की जाएगी। अदालत में और एक बात क्लियर है कि जब मेडिकल रिपोर्ट अगर वाकई ऐसी आ गई तो इसको आसानी के साथ इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन अल्टीमेटली फैसला फिर भी अदालत के पास होगा क्योंकि उनको ईसीएल से उनका नाम भी उठवाना है और नाम उठवाने के लिए उनको गवर्नमेंट को डायरेक्शन देनी पड़ेगी। चांडियो सर से मैं कहता हूँ जो कानून और आइन के मुताबिक होगा उस पर बजाहिर तो अमल दरामद होगा, लेकिन जहाँ थोड़ा सा भी सकम रह गया तो जो अदालत पे दाग लगेगा, जो मुझे अब इस वक्त यकीन है कि वो वहां अदालत का दाग क्यों लगेगा अगर एफआईसी कहती है कि हार्ट कंडीशन बहुत क्रिटिकल है फौरन भेजें नहीं तो बचने का इम्कान नहीं, फिर क्या करेगी? कानून के मुताबिक वो तो ठीक है, लगा जहां थोड़ा भी सकम रह गया तो, लेकिन मेरा ख्याल है कि अदालत इस वक्त ये नहीं बर्दाश्त करेगी कि जिस इज्जत और वकार के साथ वो काम चल रहा है आज इतने दिन हो गए, बड़े पुरसकून से लग रहा है, अदालत फैसले भी कर रही है, चीफ साहब फैसले भी कर रहे हैं और कोई हल हंगामा भी नहीं है, हेडलाइन नहीं छप रही, तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा। बाकी बच गया
हुकूमत, हुकूमत पे ये दाग लगना ही लगना होगा, क्योंकि उन्होंने बड़े सीने ठोक कर दावाएं की हैं आइन पर और आर्टिकल 6 पर। अब अगर जहां भी रियायत देंगे हुकूमत उनको देना पड़ेगा। फौज मिनिस्टर का बयान था कि हम नहीं जाने देंगे, यही इलाज करवाएंगे। फौज हमारी फौज है, फौज पाकिस्तान की फौज है, उस पर असरात हो या ना हो मुझे नहीं पता। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर असरात होने ही होने हैं, उनकी हुकूमत पे होने ही होने हैं। एक मैं बात कहता हूँ, वो ये कहना चाहता हूँ, मुशरफ के ज़माने में और जनरल ज़िया के ज़माने में, जनरल साहब को पता होगा, मशहूर था ना, फौजियों को आम जगहों पर ऐसे अपनी वर्दी के साथ नहीं आते थे, एहतियात बरतनी पड़ती थी। जनरल मुशर्रफ के ज़माने में हुकम जारी हुआ। जी हाँ, लेकिन जनरल साहब जो रिटायर हो गए हमारे, उनके ज़माने में और फिर जो जमहूरियत की जो उन्होंने साथ दिया है, इख्तलाफ भी रहे होंगे, नाराज़ भी होंगे, उनकी फौज की तबीयत के खिलाफ फैसले भी किए होंगे, लेकिन इस 5 सालों में जो फौज अफवाज पाकिस्तान ने एक शानदार किरदार अदा किया है, उसमें पूरी कौम उनको मुबारकबाद दे रही है, पूरी कौम उनको सलाम कर रही है। मैं समझता हूँ किसी एक शख्सियत के लिए हाँ तजलील का रास्ता रोकना चाहते हैं वो तो हो सकता है, लेकिन उसके आइन और कानून की राह में इदारा रुकावट बन जाए, मैं समझता हूँ। जनरल मोइन साहब, पूरा इस्लामाबाद का सेटअप इस काम के लिए आज मुख्तस था कि किसी तरीके से जनरल साहब अदालत के सामने पेश हो जाएं, लेकिन वहां एक तासुर यह भी गया कि वो बींग ए स्ट्रांग मैन, उन्होंने कहा नहीं मैं अदालत के सामने पेश हूं, ये बिल्कुल पसंद नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, ये भी तासुर गया आज। लेकिन देखिए जी, बात यह है कि अपना वो नाम अपने सफाई पेश करना चाहते हैं और नाम क्लियर करना चाहते हैं और कोर्ट के सामने केस कंटेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको वहां तो जाना पड़ेगा। और आप जो बार बार एक सवाल पूछ रहे थे, क्या बेड के ऊपर भी ट्रायल हो सकता है? देखिए, यहाँ पर सिकंदर का केस हुआ था इस्लामाबाद में, जब तक उसकी हालत बिगड़ी हुई थी उसका स्टेटमेंट भी पुलिस लेने वहाँ नहीं जा रही थी, डॉक्टर इजाज़त नहीं दे रहे थे। जब उसकी हालत ठीक हुई चंद हफ्तों बाद, तो फिर उन्होंने पुलिस को इजाज़त दी उसका कलम बंद करने के बयान। लेकिन मेरे ख्याल में ट्रायल जो है वो तो ये मेमो गेट का भी एक प्रेसिडेंस है, अदरवाइज भी वो को बयानत तो हो सकते हैं, जब सत्य के डॉक्टर्स कह देंगे इनकी कंडीशन जो है खतरा है, इनसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब तो चूंकि मुकदमा शुरू हो चुका है, तो इसका बेहतर तरीका यही है कि अदालत में सफाई पेश की जाए और वहीं से रिलीफ ली जाए। क्या आर्मी एज इंस्टीट्यूशन इस चीज को इंकरेज नहीं कर सकती कि ठीक है, एक आदमी ने आइन तोड़ा था, पूरी फौज तो आइन तोड़ने में मुलव्वस नहीं थी, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को उठा के बाहर फेंका था, तो एक दफा, क्योंकि फौज ने अब पिछले 7-8 साल में कोशिश की है कि अपने आप को उस जगह से दूर ले जाए जहां जनरल मुशर्रफ लेकर गए थे, तो अपना नाम एज इंस्टीट्यूशन भी साफ करने के लिए, अपना रख रखाव बरकरार रखने के लिए अदारा खुद सपोर्ट करे कि एक दफा सजा दे दें, ताकि आइंदा कोई जनरल इंकरेज ना हो, किसी को शौक ना आए आइन तोड़ने का। जी हाँ, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लोग कहते हैं ताकि एक दफा सजा होगी तो आइंदा बोनापार्टिज्म नहीं होगा, लेकिन कुछ दूसरे लोगों की राय यह है कि जब गवर्नेंस फेल हो जाती है, पॉलिटिक्स फेल हो जाती है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, उस स्पेस को फिल करने के लिए कोई बीच में आ जाता है, मुख्तदर जितना जो होता है। लेकिन अब तो फौज अस खुद जो है वो पीछे अपने दायरे में चली गई है, वो सिविल जो गवर्नमेंट है उसकी सुप्रीमेसी को तस्लीम कर रही है, वो अपने दायरे में रहना चाहती है, और ये इस किस्म के जो तबसरे हैं परवेज मुशर्रफ की वजह से इस वक्त इस फौज को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, ताकि उनके माल पर असर न पड़े, एज इंस्टीट्यूशन उनको मिलाए नहीं करना चाहिए। परवेज मुशर्रफ खुद उसका जिम्मेदार है, फौज को मतलब बीच में ना घसीटे इस काम में। कसूरी साहब से जी, कसूरी साहब लाइन पे नहीं है दोबारा हमारे साथ। जस्टिस तारिक साहब, दोबारा मैं आपकी तरफ आऊंगा, हुस्नी मुबारक वाला मामला भी हुआ था, वहां ट्रायल कैसे हुआ था? नहीं, वहां तो देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में एक फेयर ट्रायल का एक आर्टिकल 10A है। देखिए, ये बात हमारा ईमान है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, फेयर ट्रायल उनका हक है, ये बात। लेकिन आपने आर्टिकल 6 के अंदर जो हाई ट्रीजन एक्ट बनाया हुआ है, उसने तो सजाए मौत और उम्र कैद के अलावा रखा ही कुछ नहीं, वो है। और तो नहीं, 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 वो एक डिफरेंट बात है, वो ये है कि इसकी कम से कम सजा ये है, और ये सिर्फ हाई ट्रीजन में नहीं है, और भी ऑफेंसेस ऐसे, मिसाल के 302B है, उसमें डेथ है या इम्प्रिजन फॉर लाइफ है, यहाँ हाई ट्रीजन डिस्कस कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो मिसाल दे रहा हूँ, आपने एक्ट के अंदर वो सजाएं दे दी हैं जो है ही, दो एक्सट्रीम्स के ऊपर, उसके दरमियान में कोई चीज नहीं, वो तो एक डिफरेंट बात, वो एक अलग बात है। लेकिन देखें, आप क्यों ये प्रज्यूम कर रहे हैं, मैं तो इस हद तक मुशर्रफ साहब के हक में बात करूंगा, आप क्यों ये प्रज्यूम कर रहे हैं कि उनको यकीनी तौर पर सजा होगी? देखें, ये अगर ये इस यकीन के साथ
साथ चलना यह भी उनके साथ नाइंसाफी होगी। देखिए लेट हिम फेस द ट्रायल इन द फर्स्ट प्लेस, पहले प्रोसिक्यूशन ने अपने केस को साबित कर रहे हैं, हमें प्रज्यूम नहीं करना। और दूसरी बात यह है, मैं ईमानदारी से आपको कह रहा हूं एज ए लॉ स्टूडेंट, ये ऐसा कुछ बिल्कुल शट एंड क्लोज केस नहीं है, इसमें बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट इन्वॉल्व है। ये बुनियादी तौर पर क्रिमिनल ट्रायल का केस नहीं है, बुनियादी तौर पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल केस है। और आप यकीन जाने कि अगर ये केस को चलने दिया जाए और जब कॉन्स्टिट्यूशनल बहस होगी, और जैसे कि शरीफुद्दीन पीरजादा जैसा आदमी इनके साथ है, तो यकीनन एक ऐसी बहस होगी जिसको मेरे जैसे लोग जो हैं सुनना पसंद करेंगे, सीखना पसंद करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ट्रायल हो, फेयर ट्रायल उनका हक है, पूरा मौका दिया जाए, लेकिन ट्रायल को ट्रायल रखा जाए, क्योंकि जिस किस्म की प्रोसीडिंग भी अदालत में अंदर हो रही है, मैं किसी पर इल्जाम नहीं दे रहा, वो भी बहुत अनफॉर्चुनेट है। आफ्टर ऑल इस मुल्क में भुट्टो के खिलाफ भी एक ट्रायल हुआ, उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया, इवन नवाज शरीफ के खिलाफ ट्रायल हुआ, उसके बाद आपको गिलानी साहब को फारिग कर दिया गया एक खतना लिखने पर वो। और इस वक्त भी आपको बता दूं कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर और साबिक गिलानी साहब और राजा परवेज है, इनके खिलाफ भी प्रोसीडिंग पेंडिंग है किसी ना किसी स्टेज पर नैब के उधर। तो गुजारिश यह है कि अगर पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टरों के साथ ये हुआ है और इवन मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के साथ ये कुछ हो रहा है, तो ट्रायल हो। और मैं आपको बताऊं कि ये कोई नामुमकिन बात नहीं है, हो सकता है अदालत इनको एक्विट कर दे और वो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट पर ले। चांडियो साहब, सियासी एतबार से नवाज शरीफ साहब को खड़ा रहना चाहिए अपनी जगह, या कोई गुंजाइश दरमियानी रास्ता निकाल के जाने दें? फिर रास्ता भी निकल सकता है, खड़े रहना में बकार है, लेकिन मैं फिर एक जुमले पे आना चाहता हूँ। महजब कौमों में ये बात नहीं होती हमारे लिए कि हुकूमत नाकाम हो जाए तो फौज आ जाए। इंडिया में जिनकी हम बार बार मिसालें देते हैं, आए दिन महीनों में भी इंतखाबात हुए हैं, कैसे जमहूरियत मजबूत होगी, कैसे मुल्क बेहतर होगा, कैसे इदारों को इस्तेहकाम मिलेगा, किसी भी हालत में मोहब्बे वतन जनरलों और फौज को पाकिस्तान की जमहूरियत का तहफ़ करना चाहिए, इदारों का तहफ़ करना चाहिए, आइन और अदलिया का तहफ़ करना चाहिए। मियां साहब को खड़ा होना चाहिए, मियां साहब का इसमें वकार बढ़ेगा। एक लाइन में जनरल साहब आपसे भी, सजा अल्टीमेट मंत के अंजाम तक जो अदालती प्रोसेस है वो चलना चाहिए, कुछ भी रिजल्ट निकले। चांदियो साहब से कि अदारों को मजबूत करना चाहिए, पॉलिटिशियन अपना एहतसाब करें कि अदारों को मजबूत किया गया है पिछले 5 सालों में या अदारे मजबूत किए जाते हैं या असूलों पर चला जाता है, या इस तरह आवाम को सुख पहुंचाने के लिए पॉलिसी अख्तियार की जाती हैं, इन बातों पर भी गौर होना चाहिए गवर्नेंस की। सही बात है। बहुत शुक्रिया जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, मौलाबख्श चांडियो साहब, जस्टिस महूद साहब, एतजाज हसन साहब हमारे साथ थे, और इसके अलावा अहमद रजा कसूरी साहब हमारे साथ थे। सबका हमारे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।